हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल जे टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, फाइंड द नेचर, नेचर फाइंड करना है ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तीन क्वेश्चन दिया है इसमें, फर्स्ट ही दिया है तो इस तरह क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है इसमें, रियल रूट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या है ये कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कर लिया तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री एंड सी इक्वल टू प्लस फाइव। ठीक है, कंडीशन क्या होता है सॉल्व करने का, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि इसकी वैल्यू प्लस में आई तब हम रियल रूट्स निकलेगा, ठीक है, यदि माइनस में आता तो नहीं निकलता। तो बी का क्या है माइनस थ्री का स्क्वायर फोर इंटू ए का वैल्यू है टू इंटू सी का वैल्यू है फाइव। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर कितना होता है माइनस है तो प्लस हो जाएगा नाइन माइनस टू एट, एट फोर जा फोर्टी, कितना आएगा फोर्टी। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस थर्टी वन, ये का लेस देन है जीरो से, तो इसलिए क्या होगा, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है बाबू, ख्याल करना रियल रूट कब आएगा, जब इसका वैल्यू प्लस में हो तब। ठीक है, फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड, इसको भी कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर लेंगे सी में हम कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर अंडर रूट थ्री एंड सी इक्वल टू फोर। कंडीशन क्या जानते हैं, तो डी इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे माइनस फोर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, फिर माइनस फोर ए का वैल्यू दिया है थ्री इंटू सी का वैल्यू दिया है फोर। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा इंटू थ्री अंडर रूट हट जाएगा, ख्याल करना। ठीक है, तो पहले इसका एसम इंटू कर दो, कितना आएगा सिक्सटीन इंटू थ्री, इसका एसम इंटू करेंगे तो फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट, माइनस करेंगे क्या आएगा जब जीरो, जब जीरो भी आता है तब इसका वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा रियल रूट्स निकलेगा। तो रियल रूट्स के लिए फार्मूला क्या होता है हम आगे देखते हैं, तो लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स गिवन बाय, तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू क्या था, मतलब बी का वैल्यू क्या था अंडर रूट में माइनस फोर अंडर रूट थ्री, यही था ना कंपेयर किया था, और डी प्लस और ये माइनस अंडर रूट में क्या था डी का वैल्यू जीरो अपॉन टू ए का वैल्यू कितना था टू, कंपेयर करने के बाद जो आया था इसको माइनस माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस फोर अंडर रूट थ्री, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो जीरो ही आएगा अपॉन टू टू जा फोर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तो फोर अंडर रूट थ्री अपॉन बस फोर हो जाएगा, जीरो से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा बचेगा रूट थ्री। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, इसको भी क्या करेंगे इससे कंपेयर कर लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री, तो हम जानते हैं क्या डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है,
बी का वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू दिया है, देखो यहाँ टू इंटू सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे थ्री। सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 8, 8 थ्री जा 32, 24 होता है, कितना होता है 24। दोनों को माइनस कर लेते हैं कितना आएगा 12, ग्रेटर देन है जीरो से, इसका भी रियल रूट्स निकलेगा। तो कैसे निकलता है आगे हम देखते हैं, तो लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स गिवन बाई एक्स इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन टू ए, ये बताया था इसके पहले भी। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी का वैल्यू भी दिया था, बी का वैल्यू कितना था माइनस सिक्स, ब्रैकेट में रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट इसका 12 था अपॉन 2 इंटू ए, ए का वैल्यू अभी कंपेयर करने के बाद कितना आया था 2 आया था, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस और अंडर रूट 12 से बाहर निकालो, 12 से बाहर आएगा तो क्या आएगा, देखो 12 किसका फैक्टर रहता है 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 3 बचेगा अपॉन इसका इंटू करेंगे तो 4, ठीक है। आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ से क्या कर दो कामा ले लो, ठीक है टू कामा लेते हैं, यहाँ थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, इसको टू फोर इसे कट जाएगा टू बार में तो बचेगा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल जे टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू बच्चों।